आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव छोटी सादड़ी, पुलिस उपाधीक्षक विजयपाल सिंह संधू के मार्गदर्शन में तथा छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को करुंडा चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से एक अवैध पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि पुलिस करुंडा चौराहे पर नाकेबंदी कर रही थी, इस दौरान एक यामाहा मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने मोटरसाइकिल को भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने भी भाग रही बाइक का पीछा किया तथा उसको पकड़ लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम अंबालाल पुत्र ख्याली लाल मेनारिया निवासी खोड़ी थाना निकुंभ जिला चित्तौड़गढ़ बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त कर अंबालाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। खबर आपकी राजस्थान से दिलीप टांग की रिपोर्ट।